गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मनबढ़ों ने एक पुलिस वाले को बेरहमी से पीट रहे हैं। किस तरह से ये लोग शराब के नशे में पुलिस वाले को पीट रहे हैं, ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। एक शख्स बड़ा सा डंडा लेकर आता है और पुलिस थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग का है, जहां शुक्रवार की रात 11 बजे शराब के नशे में मनबढ़ों में जमकर उत्पात मचाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मौजूदा लोगों ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पात देखकर पुलिस वालों ने भागकर किसी तरह जान बचाई और किसी तरह से इसकी सूचना थाने पर दी। सूचना पाते ही मौके पर सीओ, इंस्पेक्टर व भारी पुलिस फोर्स पहुंची और मनबढ़ों की धरपकड़ शुरू कर दी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में कुछ मनबढ़ों ने शराब की दुकान पर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान उन लोगों में आपस में बहस हो गई, फिर मारपीट शुरू हो गई। गश्त कर रही पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो पुलिस वालों ने उधम मचा रहे लोगों को मना किया तो वे उग्र होकर पुलिस को लाठी और डंडों से पीटने लगे। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। एसएसपी विपिन टांडा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना चौरी चौरा में कल रात्रि में कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जहां पर कि जो हमारे कांस्टेबल गए, उनको जब रोकने का प्रयास किया, उन्होंने कांस्टेबल के साथ मारपीट की, अभद्रता की। इस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य अभियुक्त 2 अभियुक्त फरार हैं। उनके लिए SP नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस की 4 टीमें लगी है, जो गिरफ्तार किए जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका का तहत कार्य